नमस्कार बच्चों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा भारतीय राजनीतिक दल और उसकी भूमिका, और आज हम पढ़ रहे हैं उन्हीं दलों में से एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसा कि आपको विदित है कि कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई। 1885 से लेकर 1947 तक इसे विभिन्न सोपानों से गुजरना पड़ा, जिससे इनकी रीति नीति में परिपक्वता आई। प्रारंभ में इस दल पर उच्च वर्ग का वर्चस्व कायम रहा, किंतु 1920 के पश्चात आम जन में भी इसमें प्राध्यापक, कर्मचारी, सरकारी, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर एवं बुद्धिजीवियों का प्रवेश तो बढ़ा, तो प्रमुख तौर पे जमींदारों और देसी राजे इसके कट्टर विरोधी बन गए। 1947 के पश्चात यह वर्ग भी कांग्रेस के समर्थन में आने लगा। अतः 1947 के पश्चात सही अर्थों में कांग्रेस सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में उभरी। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी थी। ये स्थिति आज़ादी के समय तक बनी रही। वास्तव में संपूर्ण नेहरू युग के 1947-1967 दौरान कांग्रेस का कोई प्रभावशाली विकल्प राजनीति के क्षितिज पर नहीं उभर सका। इसका कारण कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन के साथ अंतरंग रूप से जुड़ा होना रहा है। नेहरू जी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त हुई, जिससे उनके व्यक्तित्व विराट व दिव्य रूप सामने आया। उनकी दिव्य आभा के समक्ष कोई प्रतिनिधि व्यक्तित्व नहीं उभर सका। राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रीय एवं व्यापक था। इसकी व्यापकता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका आधार महानगरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक फैला हुआ था। दूसरी प्रमुख विशेषता सामाजिक व्यापकता का आभास इस तथ्य से होता है कि कांग्रेस के सदस्यों में बड़े पूंजीपतियों से लेकर गरीब तक सम्मिलित थे। इससे समाज के सभी वर्गों में कांग्रेस की लोकप्रियता का पता चलता है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो इसके समक्ष अनेक समस्याएं व चुनौतियां थीं। कांग्रेस से इन सब का बेखूबी मुकाबला करते हुए देश को टिकाऊ सरकार प्रदान की एवं उसके नेतृत्व में कई दशकों तक राजनीतिक स्थिरता से एक राजनीतिक दल में रूपांतरित हुई। जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा कि कांग्रेस की स्थापना सेप्टिवॉल के रूप में की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इसके बाद जब आज़ादी के पूर्व तो कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी प्राप्त करना था, वहीं आज़ादी के बाद भारत को एक स्वतंत्र व आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करना था। अतः स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के संविधान में आवश्यक संशोधन किए गए। 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया कि कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक साधनों से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, किंतु अब उसे सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इसलिए कांग्रेस के स्वतंत्रोत्तर संविधान में कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और भारतीय जनता का कल्याण व उनकी प्रगति करना है। शांतिपूर्ण व वैधानिक साधनों से एक सहयोगी राज्य की स्थापना करना रखा गया है। इसका आधार संपूर्ण जनता को अवसरों की समानता उपलब्ध करवाना तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की समानता प्रदान करना माना गया है। इस सब का अंतिम लक्ष्य विश्व शांति व विश्व भाईचारे की स्थापना करना माना गया है। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के स्वरूप में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया, बल्कि समय के साथ साथ बढ़ते हुए बदलते हुए दायित्वों के अनुकूल संगठन प्रावधानों में वृद्धि हुई। कांग्रेस को ऐतिहासिक परिपक्ष में समझने के लिए इतना जानना आवश्यक है कि स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में दायित्वों में इसके अंतर आया। इसलिए गुणात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के स्वरूप में परिवर्तन आया। राजनीतिक दल के रूप में पद्धति पर आधारित है। कांग्रेस में तीन प्रकार के सदस्यों का प्रावधान है। सर्वप्रथम
प्राथमिक सदस्यता का प्रावधान है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो वे कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य बन सकता है। प्राथमिक सदस्यता प्राप्त करने वालों को कांग्रेस के सिद्धांतों के प्रति आस्था और विश्वास की लिखित घोषणा करनी पड़ती है एवं उसे निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क आधार करना पड़ता है। इसे साधारण सदस्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत योग्यताधारी सदस्य आते हैं जिसका निर्धारण उनकी सक्रियता के आधार पर होता है। इन्हें पूर्ण सदस्यों के रूप में भी जाना जाता है। इसका राजनीतिक दायित्व भी मोटे तौर पर निर्धारित होता है। इन दायित्वों के निर्वाह के अनुसार इन सदस्यों के संगठन में जिम्मेदारी के विभिन्न पद प्रदान किए जाते हैं। कांग्रेस का संगठन का जो ढांचा था वो प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। प्रजातांत्रिक प्रणाली यानी जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। इसमें निम्नतम स्तर पर जो सबसे नीचा स्तर है सरकार की कड़ी का वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में पंचायत कांग्रेस कमेटी होती है। इसी प्रकार प्रत्येक कस्बे व शहर स्तर पर कांग्रेस समितियां होती है। यदि गांव अथवा शहर का विस्तार अधिक होता है तो मोहल्ला एवं वार्ड समितियों का प्रावधान है। गांव एवं कस्बे की कार्य समितियां कांग्रेस समितियां खंड ब्लॉक स्तर की समितियों का चयन गठन करती हैं। प्रत्येक जिले में कांग्रेस जिला समिति होती है। समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन जो चयन है वो निर्वाचन पद्धति से होता है। निचले स्तरों पर गांवों कस्बों व खंडों से निर्वाचन करना पड़ता है। एक ओर तो वे अपने से नीचे की समितियों की शीर्ष पर होती है वहीं दूसरी ओर अपने से ऊपर प्रादेशिक व राष्ट्रीय समितियों के प्रति उत्तरदायी है। अतः जिला समितियों की स्थिति दो ध्रुवों के बीच की कड़ी होती है। प्रत्येक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रदेश कांग्रेस समिति होते हैं। इसमें ऐसे भी उदाहरण हैं जब एक ही राज्य के अंतर्गत एक से अधिक प्रदेश कांग्रेस समिति अस्तित्वमान रही किंतु इसके ऐसा विशेष राजनीतिक स्थितियों के कारण हुआ जिसे अपवाद भी कहा जाए। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक तौर पर प्रत्येक राज्य में एक ही प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रावधान है। प्रदेश समिति का संगठन निर्वाचन पद्धति से होता है। जिला समितियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि प्रदेश कांग्रेस समिति के चुनाव में ही भाग लेते हैं। कांग्रेस संगठन के शीर्ष पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति होती है। अखिल भारतीय समिति में तीन प्रकार के सदस्य हैं। कर्मश निर्वाचन पदेन वे संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक प्रदेश समिति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन इनके द्वारा ही किया जाता है। पदेन सदस्यों में सभी प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कुछ अन्य पदाधिकारी भी होते हैं। किसी भी प्रदेश के कांग्रेस व मुख्यमंत्री भी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पदेन सदस्य होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कांग्रेस का जो संगठित जो ढांचा है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत है कि कांग्रेस संगठन की सर्वोच्च संस्था इसकी कार्यकारिणी समिति होती है जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC के नाम से जाना जाता है। यह सदस्यों का प्रावधान है। ये तो प्रावधान उस समय का था 1975 का और वर्तमान समय में इसमें जो है और संख्या बढ़ा दी गई है और इसका वार्षिक अधिवेशन भी होता है। ये समिति निर्णय भी लेती है। जब आप इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब इसको और जानेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ कि संगठन की जो कांग्रेस का जो संगठन था उसकी नीतियाँ क्या थी। तो स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य देश को स्वतंत्र करवाना था। अतः उस समय कांग्रेस ने ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे राष्ट्रीय एकता का विकास हो। भारतीयों में व्याप्त सांप्रदायिक जातियाँ नस्लीय व सांस्कृतिक भेदभाव को समाप्त कर उनके मध्य एक व्यापकता एकता स्थापित करना था। कांग्रेस राष्ट्रीय व स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस के दायित्व उद्देश्य भिन्न थे।
तो उसकी नीतियाँ उन्हीं उद्देश्य के अनुकूल थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी ने कांग्रेस को समाप्त करने की सलाह दी। इसके स्थान पर लोक सेवक संघ की स्थापना करने की भी सलाह दी गई थी, परंतु इस सलाह को नहीं माना गया था और कांग्रेस के स्वतंत्रता के पश्चात एक राजनीतिक दल के रूप में राजनीतिक कार्य करना उसमें उचित समझा था। अब राजनीतिक दल के रूप में कार्य करने का निर्णय उचित तर्कपूर्ण था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रीय मूल्य उत्पन्न हुए उनकी सफल कार्यान्वित तभी संभव थी जब कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में स्वतंत्रता के पश्चात भी क्रियाशील रहे। आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण दायित्व में कांग्रेस निभा सकती थी। अतः 1948 के बाद 1948 के कांग्रेस जयपुर अधिवेशन में नीति संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के साथ का हित तथा प्रगति और सहकारी कॉमनवेल्थ की शांतिपूर्ण तथा वैधानिक तरीके से स्थापना, ये अवसर की समानता और राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार और विश्व शांति एवं बंधुत्व पर आधारित है। 1948 का नीति प्रस्ताव स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के भविष्य की रीति नीति का आधार बना। सर्वोदय समानता एवं शोषण विहीन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाने लगी। कांग्रेस की नीतियां केवल राष्ट्रीय मुद्दों तक ही सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया। विश्व शांति व विश्व बंधुत्व जैसे महान लक्ष्य कांग्रेस की नीति के अंग बन गए। देश की सामाजिक व आर्थिक दशा को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी नीतियों में समाजवादी विचारधारा का समावेश किया। 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। इसी क्रम में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ हुआ। इसको आप नोट करेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं किसके द्वारा लागू की गई और कब, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आगे नोट कर लेंगे। आगे कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। 1948 तक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका जो कांग्रेस समाजवादियों के नाम से जाना जाता था कांग्रेस का ही अंग रहा। कांग्रेस में व्याप्त वैचारिक अंतर्विरोध के कारण 1948 में समाजवादी कांग्रेस के बाहर निकल गए और उन्होंने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कर ली। नेहरू जी इस घटनाक्रम से खुश नहीं थे। अतः 1951 में नेहरू जी ने समाजवादियों के साथ संबंध सुधारने के प्रयास आरम्भ किए, किंतु समाजवादी उनसे अत्यधिक रुष्ट थे, इसलिए कांग्रेस और समाजवादियों के पुनः मधु संबंध कभी भी स्थापित नहीं हो सके। इसके उपरांत भी नेहरू और कांग्रेस का समाज में समाजवादी समाज के निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ। इसका अर्थ यह बताया गया कि उत्पादन के मुख्य साधनों पर सामाजिक नियंत्रण व स्वामित्व होगा, उत्पादन में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी की जाएगी एवं राष्ट्रीय आय में न्यायोचित तरीके से वृद्धि की जाएगी और व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को ध्यान में रखते हुए राज्य कल्याण जन कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होगा तथा इसी आधार पर राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन होगा। नेहरू जी ने 1956 में अमृतसर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की चर्चा करते हुए कहा था कि हम समाजवाद के लक्ष्य एवं समाजवादी व्यवस्था के लिए शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाएंगे। भारत रूस की तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत तीव्रता से करना चाहता है, किंतु उसे प्रजातांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त करेंगे। और इसमें इसके जो लक्ष्य थे वो ये थे कि पूर्ण रोजगारी का कार्य करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाए, लघु एवं रोग ग्रह उद्योगों के माध्यम से अधिकाधिक राष्ट्रीय संपत्ति अर्जित करना, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता अर्जित करना, राष्ट्रीय व्यय में सामाजिक और आर्थिक व्यय पर बल देना, समाजवादी समाज की स्थापना के लिए अहिंसात्मक शांतिपूर्ण व प्रजातांत्रिक तरीके अपनाना, ग्राम पंचायतों कृषि व औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना करना, निर्धन व निम्न वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु उनका उत्थान करना। दो यहाँ पर आपने पढ़ा कि कांग्रेस जो है राजनीतिक दल के रूप में उभर के आई, उसका उद्देश्य क्या था, उसके संगठन क्या थे, उसकी समितियाँ क्या थी और उसमें क्या क्या मूलभूत जो सिद्धांत अपनाए गए। तो कांग्रेस की विचारधारा भी जो थी उसने आपने पढ़ा कि इसकी विचारधारा
के आवड़ी अधिवेशन में कांग्रेस के समाजवादी समाज का आदर्श स्वीकार किए जाने वाले प्रस्ताव को ध्वनि मत से स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वीकृति प्रस्ताव में कहा गया कि नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि समाज को समाजवादी प्रणाली के अनुरूप स्थापित किया जा सके, जहां उत्पादन के आधारभूत साधन सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण में हो, उत्पादन को निरंतर बढ़ाया जा सके एवं राष्ट्रीय संपदा का समानता के आधार पर बंटवारा हो सके। 1957 में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में शांतिपूर्ण तथा वैधानिक तरीके से समाजवादी समाज के निर्माण पर जोर दिया गया। 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सहकारी खेती का प्रस्ताव पास किया गया। इसका विरोध करने वाले सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के नाम से पृथक राजनीतिक दल का गठन किया। 1962 में भावनगर अधिवेशन में पुनः समाजवाद पर जोर देते हुए कहा गया कि कांग्रेस का लक्ष्य समानता और भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना करना। प्रस्ताव में कहा गया कि समाज में अस्तित्वमान असमानताएं नैतिक दृष्टि से गलत है तथा वे प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति को अवरुद्ध करेगी। 1964 में कांग्रेस के भुवनेश्वर अधिवेशन में कांग्रेस की समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता को जोर शोर से दोहराया गया। इसके पश्चात समाजवादी विचारधारा के निर्माता जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अप्रासंगिक होते हुए स्थान भाव के उपरांत ये हम यहाँ पर उल्लेखनीय है कि समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता का क्या कारण था। सर्वप्रथम समाजवादी व साम्यवाद दलों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को कम करना इसका उद्देश्य था। भारतीय समाज में व्याप्त विषम कठिन है, किंतु कांग्रेस द्वारा समाजवाद के प्रति कटिबद्धता को देखने के परिणाम स्वरूप गरीबों व दलितों में बढ़ रहा असंतोष अवश्य कम हुआ। इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि भारत में कम्युनिस्ट क्रांति की संभावनाएं और अधिक क्षीण हो गई। जब 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस में वैचारिक अंतर्विरोध तीव्र होने लगा। 1966 में इंदिरा गांधी की सत्ता में आने के पश्चात ये संघर्ष और तीव्र हो गया। 1969 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दों पर दक्षिणपथी तत्व कांग्रेस से बाहर निकल गए और उन्होंने संगठन कांग्रेस नामक एक पृथक राजनीतिक दल की स्थापना की। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ बीमा कंपनियों व अन्य वित्तीय संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मैंने आपको पिछले एक व्याख्यान में बताया था, वो आपको मालूम होगा कि इसमें क्या हुआ था। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को साकार रूप प्रदान करने के भरपूर प्रयास किए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन को कांग्रेस के नाम से जाना गया और दूसरे को गुट को कांग्रेस ओ के नाम से। इंदिरा गांधी ने प्रगतिशील नीतियों का सहारा लेते हुए अपने संगठन वे अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी समाजवाद और जनतंत्र के पक्की समर्थक थी एवं 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस के विभाजन के पूर्व 8 नवंबर को उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को एक खुला पत्र जारी किया। उन्होंने अपने पत्र में कहा, आज हम जो कुछ देख रहे हैं वह सिर्फ नेतृत्व की लड़ाई नहीं है और न ही ये सत्ता संघर्ष, ये उन दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष है जो समाजवाद परिवर्तन स्थितिवाद और अपनी जगह जगह पर स्थिर बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट निरपेक्षता की पक्षधर थी। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि जो कांग्रेस का जो संगठन है, एक सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका टॉपिक है भारतीय राजनीतिक दल, तो उसी एक दल में कांग्रेस है।
कांग्रेस की स्थापना से लेकर कांग्रेस के अंतर्गत जो सांगठनिक ढांचा है, उसकी समितियां हैं और जो उसमें प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो लक्ष्य है, उसमें इसके यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है और आपको बताया है कि किस प्रकार कांग्रेस ने अपनी तरक्की की और किस पहले वो स्वतंत्रता पूर्व कैसा था और स्वतंत्रता के बाद उसके जो जो उसमें परिवर्तन आया, उसकी वैचारिक नीतियों में परिवर्तन आया, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि नेहरू जी जो समाजवादी के समर्थक थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी बने और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने खूब तरक्की की और इंदिरा गांधी ने एक नारा भी दिया अगर आपको याद हो तो, गरीबी हटाओ, और उन मतदाताओं से सीधी अपील की कि वह सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को पराजित करेंगे। कांग्रेस ने भूमिहीन कृषकों, कृषि व उद्योग मजदूरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक महिलाओं, बेरोजगारों व असंतुष्ट नवयुवकों को वंचित और पीड़ित तबकों के मध्य अपने कार्यक्रम का घोषणा पत्र में भारत घोषणाएं की गई। और आज वर्तमान समय में भी आप जानते हैं, जैसे ही चुनावी समय आता है तो हर पार्टी की तरफ से अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, कुछ हद तक उसको कहा भी जाता है और कुछ जो एजेंडे हैं वो अधूरे भी रह जाते हैं। वो आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं तो इससे आप परिचित हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो करंट हैं, जो करंट जी के हैं, इसके बारे में करंट आप इसमें लिख सकते हैं। ये तो उस समय का है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, इंदिरा गांधी ने बनाया, उसके बाद जितना भी कांग्रेस में परिवर्तन आया है उसके बारे में आप इसके बारे में लिख सकते हैं और इसको और विस्तृत रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। और